एक तरफ कोरोना और लॉकडाउन की वजह से सामान्य गतिविधियों पर रोक लगी हुई है, तो वहीं बीजेपी के नेता ही नियमों को धता बता रहे हैं। एक तरफ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी हरियाणा के सोनीपत में एक क्रिकेट टूर्नामेंट में शामिल होने पहुंच गए, तो वहीं केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा ने भी हवाई सफर करने के बाद क्वारंटीन होने से इनकार कर दिया। लेकिन बीजेपी सांसद क्रिकेट का लुत्फ उठाते हुए हरियाणा में हमारे साथ वरुण सिन्हा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, एक तरफ तो सरकार और तमाम पार्टियां लोगों से अपील कर रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जरूरी ना हो तो आप घर पर रहें, फिर ये क्या है? ये तो मनोज तिवारी साहब जमकर क्रिकेट का मजा ले रहे हैं। हाँ जी, ऐसा लग रहा है जैसे छुट्टियां मनाने निकले हैं और गन्नौर हरियाणा में जो है वो ये क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं। और हालांकि अधिकारियों ने सीधे तौर पर कहा है कि लॉकडाउन का उल्लंघन है और इसके लिए जांच के आदेश भी दिए गए हैं कि आखिर दिल्ली से किस तरीके से हरियाणा पहुंचे और क्रॉस बॉलर करके वहां पर 4-5 घंटे तक क्रिकेट खेला, उसके बाद जो है वापसी की। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि हरियाणा में अभी भी लॉकडाउन को लेकर बहुत स्ट्रिक्टनेस है, जो भी क्रॉस बॉर्डर किए जा रहे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है और बिना एसेंशियल सर्विस या बहुत जरूरी लोगों को ही जो है वो बॉर्डर क्रॉस किया जा रहा है, हरियाणा सरकार का ऑर्डर है। ऐसे में वहां जाकर क्रिकेट खेलना और लॉकडाउन का खुलेआम नियमों को धज्जियां उड़ाना निश्चित तौर पर सवाल खड़े करता है। और ऐसे में अब प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि इस पूरे मामले की जांच होगी और अगर उचित लगता है तो कार्रवाई भी की जाएगी। जी जी, मनोज तिवारी की तरफ से कोई बयान आया इस पर? वरुण, देखिए अभी तक तो कुछ क्लियर नहीं किया है मनोज तिवारी ने, हालांकि बात करने की लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी स्पष्ट तौर पर उन्होंने नहीं बताया। पता चल पाया टूर्नामेंट कितनी तारीख को आयोजित किया गया था जहां पर ये शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए ये तय है कि अभी हाल फिलहाल की तस्वीर है, लेकिन कब की ये कब खेला गया था टूर्नामेंट और कब गए थे वहां पर, इसको लेकर स्पष्ट अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन हाँ, ये सीधे स्पष्ट है कि ये लॉकडाउन का उल्लंघन है और खासकर हरियाणा में जाकर गन्नौर में जहां पर ये कहीं ना कहीं समझाने के लिए काफी है, जहां पर बहुत ज्यादा इस समय स्ट्रिक्टनेस के साथ लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है, वहां पर जाकर अगर सांसद महोदय बैट बॉल खेलते नजर आते हैं, क्रिकेट खेल के नजर आते हैं, तो निश्चित तौर पर सवाल उठते भी हैं। प्रशासन स्पष्ट कह रहा है कि अगर जो भी उचित कार्रवाई होगी वो निश्चित तौर पर की जाएगी, फिलहाल जांच की जा रही है।